हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज की उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चंस हम करते हैं ताकि हम रिवाइज कर सकें हर एक चैप्टर को और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं जो हमने कल टेस्ट लिया था उसको संडे में डिस्कस करेंगे आज नहीं करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी द ऑप्शन आर पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप सो द आंसर इज द करेक्ट आंसर इज पोलिटिकल पार्टीज अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी ग्रुप और अ फैक्शन इज नोन एज जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होता है हर तरीके से अपना सारा काम वाम छोड़ के बस पार्टी के लिए ही वर्क करता है उसको हम क्या कहते हैं ऑप्शन पार्टीशियन लो लीडर और पॉलिसी तो आंसर होता है ऑप्शन ए पार्टीशन तो इसको हम कहते हैं कि ये बंदा जो होता है ना पूरा डेडिकेटेड होता है अपनी पार्टी के लिए सब कुछ करने को रेडी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का कॉम्पोनेंट नहीं है द लीडर द एक्टिव मेंबर्स द सपोर्टर्स और द इलेक्शन सिंबल तो आंसर इज इलेक्शन सिंबल इलेक्शन सिंबल जो होता है वो कॉम्पोनेंट नहीं होता है पॉलिटिकल पार्टी का नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑप्शन आर इट हैज अ यूनिटी ऑफ पर्पज इट एड्रेसेज द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन इट डज नॉट फुलफिल इट्स पॉलिसीज वेन वोटेड टू पावर इट हैज अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन सो द करेक्ट आंसर इज सी इट डज नॉट फुलफिल इट्स पॉलिसीज वैन वोटेड टू पावर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स द गवर्नमेंट इज मतलब जो सत्ता में होती है जो अभी पार्टी रूल कर रही होती है तो ऑप्शन आ रूलिंग पार्टी फैक्शनल पार्टी अपोजिशन पार्टी इंटरेस्ट गोप तो इसका सबको पता ही होगा कि इसका आंसर होता है रूलिंग पार्टी उाउ मनी पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन जो एक ऐसी बॉडी है जो कि सारी इंडिप, सारे इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती है गवर्नमेंट से अलग इलेक्शन से रिगार्डिंग तो उसके साथ कितनी पार्टीज हमारी रजिस्टर्ड हैं द ऑप्शन आर मोर देन सेवन फिफ्टी लेस देन सेवन फिफ्टी फाइव हंड्रेड और इलेवन हंड्रेड टेन सो द करेक्ट आंसर इज मोर देन सेवन फिफ्टी फॉलोइंग कंट्रीज हैल्टी पार्टी सिस्टम चाइना यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम और इंडिया द करेक्ट आंसर इज इंडिया एवरी पार्टी इन इंडिया हैज टू रजिस्टर्ड इट सेल्फ विद अभी हमने पीछे बात की थी कि जो हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती है इंडिपेंडेंटली वर्क करती है उसके साथ हमें रजिस्टर करना होता है हर पार्टी को तो वही यहां देखता है कि कौन कैसे इलेक्शन लड़ेगा वही सिंबल प्रोवाइड करते हैं कब इलेक्शन होंगे कैसे इलेक्शन उनको कराने सब वही डिसाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट द प्रेजिडेंट द पोलिस द इलेक्शन कमीशन तो करेक्ट आंसर इज द इलेक्शन कमीशन जो कि हम अभी पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन दिन एट्टी एटीन एट्टी और करेक्ट आंसर इज एटीन of the following is not a national पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है मतलब रूरल रीजनल पार्टी होगी रूरल पार्टी के साथ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है तो ऐसी पार्टी जो ज्यादा बड़े लेवल पे वर्क नहीं करती है ऑल इंडिया लेवल पे वर्क नहीं करती है उसको हम नेशनल पार्टी में consider नहीं करते हैं द options आर द बहुजन समाज पार्टी ये हमारी नेशनल पार्टी में आती है द इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है अभी तक की द एसोम गाना परिषद ये पार्टी हो सकती है द भारतीय जनता पार्टी जो की आज की रूलिंग पार्टी है तो द करेक्ट आंसर इज द एसोम गाना परिषद ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं पॉलिटिकल पार्टीज से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चन के साथ थैंक यू